नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्पेशल कोर्ट पर लाया गया मुलजिम पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया, जिसके बाद फरार होने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा तुरंत अलर्ट किया गया, जिसके बाद एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने फरार मुलजिम को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसके बाद पुलिस आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि पश्चिम सिरसा थाना इलाके के गोराजू गाँव का रहने वाला बड़कू सिंह पर नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर अगवा कर दुष्कर्म किए जाने का आरोप था। पुलिस ने मुलजिम बड़काऊ के कब्जे से नाबालिग युवती को बरामद करते हुए उसे आज न्यायिक अभिरक्षा में स्पेशल कोर्ट में पेशी पर लाया गया था, जहां से मुलजिम बड़कू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद काफी खोजबीन करने पर पुलिस ने मुलजिम को पकड़कर राहत की सांस ली। सर जी, हमको थाने में कहा गया कि हम छोड़ देंगे, तो सर जी जब यहां आए देखे हमको पकड़ रहे हैं, तो सर हम इसलिए भाग गए। कितने दूर भाग के गए थे? सर यहां से करीब 1.5 किलोमीटर। कौन पकड़ के लाया आपको? कौन पकड़ के लाया? सर जी उधर के 2-3 लोग थे। टाइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिव शंकर मदनवाल की रिपोर्ट।